हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर और आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको लेकर, तो देन ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड ऐड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की आपको और इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, द डेथ, एट ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, और इधर एक वी डू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है, आपका पर्सन जो है हमेशा से इस कनेक्शन को लेके बहुत यू नो कंफ्यूज्ड रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस कनेक्शन के अंदर जल्द ही चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों के साथ। तो जब आपकी कनेक्शन की बात आती है या आपको लेकर कनेक्शन को फ्यूचर में देखने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में एक चीज़ आती है कि क्या आप उसकी सिचुएशन में रहते हुए, लेकिन जैसे उसकी सिचुएशन है उस तरह की सिचुएशन में क्या आप उसके साथ डील कर सकते हो, क्या आप उसके साथ स्टेबल रह सकते हो, क्या आप उसकी लाइफ में एक एड ऑन बन सकते हो, क्योंकि उसके पास लव लाइफ को लेकर ज़्यादा टाइम नहीं है। सो आप क्या इस कनेक्शन को लेकर ऐसे चल सकते हैं उनके साथ जहाँ पे आप उनको उनका काम करने दो सुकून से, और आप उनको अंडरस्टैंड करो और वो आपको आपका ख्याल रखें, आपको जिस तरह से भी मैक्सिमम वो कर सकें वो करें आपके साथ। लेकिन क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो कि आप इनके साथ यू नो इनके इनके साथ यू नो चलने के लिए तैयार हो इन दैट सिचुएशन? तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा आपके पर्सन को इस अंडरस्टैंडिंग को आने में कि आप एक यू नो एड ऑन साबित होगे इस इंसान की लाइफ में, यू नो आप स्ट्रेस नहीं दोगे इस इंसान को। तो वो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपका कनेक्शन नया है, तो आपका पर्सन जो है स्लोली कनेक्शन को लेके जाएगा, लेकिन उसकी इंटेंशन जो है वो डीप डाउन यही होगी कि लेट्स सी कि कैसे चलता है। टाइम पास की इंटेंशन से नहीं जाएगा वो, इट्स मोर लाइक कि अगर चीज़ें स्मूथ रहीं, अच्छी रहीं, पॉजिटिव रहीं, तो हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं उसको एक चीज़ पता है कि उसके पास इस, अगर हम बात करें लव लाइफ को लेकर, तो उसके पास इस सब के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन बहुत ही रोमांटिक हो या बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो, इमोशनली हर तरह से आपका ख्याल रखे, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ये शायद नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी लव लाइफ में, वो शायद इस इंसान की यू नो कैपेसिटी से बढ़कर हैं। शायद आप चाहते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यू नो इस कनेक्शन में गिवन करे। मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इसको अंडरस्टैंड करते हुए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपना एटीट्यूड और अपनी अपनी विशेज जो है अराउंड दिस पर्सन, अराउंड दिस कनेक्शन। बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये इंसान आपको यूज़ नहीं कर रहा, ना ही ये पर्सन आपके साथ चीट कर रहा है। बहुत क्लियर है, आप एक इंसान की लाइफ में ओनली बंदी हो या बंदे हो, और इस इंसान की यू नो अगर ये आपके साथ है तो आपके साथ है, अगर ये किसी और के साथ तो किसी और के साथ है, और बहुत क्लियरली बता कर जाएगा। अगर अगर कभी ये किसी के साथ गया तो आपको बता कर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा इंसान है जो आपको चीट करेगा। अगर इसकी लाइफ में कुछ है तो ये आपको बताएगा, आपसे छुपाएगा नहीं। सो राइट नाउ अभी की भी सिचुएशन जो अगर हम बात करें, तो हो सकता है इसने बहुत क्लियर कट आपको बताया कि ये हम अभी कनेक्शन के अंदर रहते हुए ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशन आप अपने यू नो आपकी जो भी है फिलहाल उस इंसान के लिए, वो चीज़ें करना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, ग्रेजुअली मुझे इस इंसान के साथ आपके कनेक्शन की ग्रोथ नज़र आ रही है। थोड़ा अगर आप पेशेंटली रहकर चलोगे तो चीज़ें आप लोगों के हक में बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा,
मुझे लगता है कि बहुत स्लो ग्रोथ होगी कनेक्शन की, लेकिन डेफिनेटली होगी. हर किसी हर हर यू नो ग्रुप ऑफ पीपल जो भी देख रहे हैं रीडिंग, उनके कनेक्शन में इस इंसान को लेके ग्रोथ आएगी, लेकिन हर किसी की डिफरेंट होगी. कुछ लोगों की बहुत जल्दी आ जाएगी, कुछ लोगों की बहुत टाइम लेकर आएगी. तो इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यू नो पीपल, स्पेशली जो लोग खुद अंदर से स्टेबल हैं, जो इतना ज़्यादा यू नो परेशान नहीं होते इस कनेक्शन को लेकर, या नेगेटिव नहीं सोचने लग जाते कि पर्सन टाइम क्यों नहीं दे रहा, हो सकता है कि वो किसी और के साथ हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, टाइम नहीं है इतना उसके पास. अगर आप इस तरह की सोच रखते हो तो आपके लिए मूवमेंट जो है वो फर्दर और स्लो हो जाएगी, और आप जो चाहते हो इस इंसान के साथ, वो मुझे लगता है कि आप अगर स्पेशली अगर आप पेशेंट नहीं हो तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान आपकी पेशेंस को जो है वो डेफिनेटली टेस्ट करने वाला है, चाहे वो पर्पसली करे, चाहे वो यू नो अननोइंगली करे, लेकिन वो करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है इस कनेक्शन को लेकर या लव लाइफ को लेकर. अगर हम बात करें, इट्स नॉट कि आपके लिए नहीं है, कोई भी और होगा तो उसके लिए भी नहीं होगा. सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर. बट यस, अगर हम बात करें इस इंसान की कि इसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इसकी यही है कि लेट्स सी हाउ इट गोज. मुझे नहीं लगता कि एक लेकिन ऐसा नहीं, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपके साथ है तो आपके साथ ही है, ये नहीं है कि आपको कह रहे कि लेट्स सी कि हाउ इट गोज एंड साथ में अपना यू नो इसने कमिटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि आपके साथ जो चल रहा है उसको वो देखना चाहता है कि कैसा चलता है कैसा नहीं चलता. तो मतलब इट्स मोर लाइक कि देखते हैं कि हाउ इट गोज, एज इन के क्या आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ऐड ऑन रहते हो. अगर आप ऐड ऑन हो एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे के लिए, देन कनेक्शन आगे बढ़ेगा. अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स हो और कनेक्शन आगे बढ़े, हो सकता है कि कनेक्शन ख़त्म करना बेस्ट रहे, कुछ तो फाइनल होगा, लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ग्रोथ की तरफ कनेक्शन जाएगा. मुझे नहीं लगता कि एंड होगा आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन. काफ़ी हद तक जो है वो न्यू एनर्जी एंटर होगी एज यू स्टे पेशेंट, एज यू डील विद दिस पर्सन द राइट वे. तो मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन बेसिकली आगे जाएगा, यू नो मुझे नहीं लगता कि पीछे की तरफ जाएगा या नेगेटिविटी इस कनेक्शन में आएगी. ग्रोथ की तरफ मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए जा चुका है, कुछ लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी कि ग्रोथ ही होगी इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन बहुत कुछ लोग बहुत कम लोग होंगे जो कि जिनके लिए कि ये टॉलरेट करना कि आपका पर्सन बिजी है मुश्किल होगा, और इन दैट सिचुएशन में भी आप कोई डिसीजन लेना पसंद करोगे कि यू नो या तो आप इसको छोड़ दोगे या फिर आप यू नो आगे बढ़ने के बारे में यू नो सोचोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए इंतज़ार करना मुश्किल होगा, और आपको आपको इंतज़ार करना भी मुश्किल होगा. दूसरा आप इससे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे दिख नहीं रहा एनर्जीज के हिसाब से, इवन अगर आप सोचते भी हो कि ठीक है यू नो अगर ऐसा है तो मुझे इससे मूव ऑन करना है, तो मुझे लग नहीं रहा कि मूव ऑन वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए. अगर आप करना भी चाहोगे तो मे बी इट्स गोना बी लाइक यू नो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुद से होल्ड ऑन करोगे किसी नए रिलेशनशिप में जाने से. सो कहीं ना कहीं इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट गोना वर्क. तो मुझे लग रहा है मेजोरिटी लोगों के लिए जिनके साथ ये एनर्जीज मैच करेंगी, आप और आपके पर्सन के साथ ही कनेक्शन आपकी ग्रोथ जो है कनेक्शन की ग्रोथ हो मुझे लग रही है, लेकिन थोड़ा स्लो होगा ग्रोथ जो होगा कनेक्शन के अंदर, बट येस इट्स गोना गो इन द राइट डायरेक्शन. Let's see, अच्छा एक और चीज़, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हो तो काफ़ी टाइम तक आपके पर्सन के एंड से आपको कुछ ऐसा एफर्ट करने को नहीं मिला होगा, यू नो आपको लग रहा होगा कि शायद आप इग्नोर हो रहे हो, आप आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, लेकिन इट्स नॉट द केस एक्चुअली. अगर आप स्पेशली अगर आप स्टार्टिंग में भी ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, अगर आपका इनिशियल स्टेज पे है कनेक्शन, अगर आप शुरू में ही ये अंडरस्टैंड कर लो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑन एंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी. आप उसी चीज़ से लर्न कर जाओ कि आप ये पर्सन ऐसा ही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसके लिए वर्क, ये एक वर्कहॉलिक इंसान है, इसके लिए प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा मैटर करती है, इसके लिए लवी डवी चीज़ें रोमांटिक चीज़ें इतना यू नो उसके बारे में ये इतना नहीं सोचता. सो अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो और फिर इस कनेक्शन को अभी से इम्प्रूव करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप यू नो पहले डिसाइड करो कि क्या आपको इस इंसान के साथ रहना है, हाँ या ना. अगर आपको रहना है देन स्टिक टू दैट आइडिया, यू नो आपको चाहे वेट करना पड़े, चाहे आपको यू नो आपको लगे कि आपका पर्सन आपको कुछ भी नहीं दे रहा कनेक्शन के अंदर, यू विल हैव टू स्टिक टू द आइडिया ऑफ येस कि यही आपका पर्सन है या यही इंसान है जो आपको अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पे चाहिए. सो कहीं ना कहीं आपका खुद का बनाया हुआ डिसीजन आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आगे जाने में इस इंसान के साथ. दूसरा एक और चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पर कि आपके पर्सन की इंटेंशन कुछ गलत नहीं है,
यू नो इट्स नॉट लाइक कि हाँ जस्ट सेक्सुअल रखना है कनेक्शन, या जस्ट ये रखना है कनेक्शन, जस्ट वो रखना है, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर कनेक्शन उसको अच्छाई की तरफ जाते हुए देखेगा, हो सकता है कि वो टाइम भी ना ले और आपको यू नो जल्द ही प्रपोज कर दे, या कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करे. इसने अपनी इस यू नो विंडो को ओपन रखा हुआ है कि यू नो वी विल सी कि जैसे कनेक्शन आगे बढ़ता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. उसके एंड से मुझे नहीं लगता कि उसका उसका माइंड सेट ये है कि आपको आपके साथ टाइम पास करके आपको छोड़ दे और आगे फिर अपनी लाइफ में बढ़ जाए, वो इंटेंशन नहीं है. तो डेफिनेटली इसकी इंटेंशन प्योर है, इस इंसान की यू नो माइंड में इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव चीज़ें हैं. लेकिन यस, पेशेंस वो आपकी डेफिनेटली चेक करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसके जैसे इंसान के साथ गुजारा करना हर किसी के बस की बात नहीं है. सो या लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स नाउ, देखते हैं ओरेकल क्या मैसेज ऐड करता है आप लोगों के लिए. कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. काफ़ी हद तक आपका पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है. मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो. स्पेशली जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये इंसान तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो. एज एन कि आपके माइंड में शायद इसका, आप शायद इसको चेंज करना चाहोगे, आपका दिल करेगा कि ये चेंज हो जाए आपको लेकर, लेकिन ये चेंज नहीं होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन ऐसा है. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी इसके साथ चलोगे, अगर आप इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, तो ये भी अंडरस्टैंड करेगा और ये वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हो. लेकिन अगर आप ये सोचो कि वैसा ही हो जैसा आप चाहते हो, ये वैसा नहीं है, ये अपने आप को खुद बदलेगा. आपके बदलने आपके कहने से बदलेगा नहीं, ये अपने आप को खुद बदलेगा जब आप इसके साथ यू नो इसको अंडरस्टैंड करोगे, इसको टाइम दोगे, इसको इसकी ये साथ पेशेंटली डील करोगे. तो ये इंसान आपको वो आहिस्ता आहिस्ता खुद सब कुछ देना शुरू कर देगा जो आप चाहते हो. कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस लिव इन द मोमेंट जो है वो बहुत मैटर करती है. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.